नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक बहुत ही फेमस पोएम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पोएम का टाइटल है रिपोर्ट ऑफ एन एजर्स डिकेज, जिसे लिखा है विलियम कॉपर ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। रिपोर्ट, रिपोर्ट को हिंदी में बयान या फिर विवरण कहा जाता है और एजर्स्ड का मतलब होता है लंबित। जब किसी फैसले पर कोई निर्णय नहीं आता है तो उसे हम एजर्स्ड कहते हैं। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, एक लंबित मामले की रिपोर्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम विलियम कॉपर के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। विलियम कॉपर, विलियम कॉपर का बर्थ हुआ था 26 नवंबर 1731 में और इनकी मृत्यु हुई थी 25 अप्रैल 1800 में। अब आप विलियम कॉपर का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। विलियम कॉपर ने 18th सेंचुरी की पूरी पोएट्री को एक नई दिशा दिखाई थी। उन्होंने अपनी कविताओं में, कहानियों में रोजमर्रा के जीवन को बखूबी तौर पर दिखाया था और उन्होंने इंग्लैंड के देहाती जीवन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। सैमुअल टाइलर कॉलरिज ने उन्हें द बेस्ट मॉडर्न पोएट भी कहा। अब हम बात करेंगे विलियम कॉपर के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे कि द स्नेल, द रोज, द रिटायर्ड कैट, इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोएम बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहां पर देखेंगे। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, आउट का मतलब होता है होना चाहिए। बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैपिली रॉन्ग, द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नो To which the said spectacles ought to belong. First two line में poet कहते हैं कि एक बार नाक और आंख के बीच एक बहुत ही अनूठा झगड़ा पैदा हो गया। असल में चश्मा ने उन दोनों को ही नाराज कर दिया था। बात तो उनकी लड़ाई की पूरी दुनिया को मालूम थी और वह बात यह थी कि आखिरकार चश्मा किसकी होती है, नाक की या आंख की। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। विक का मतलब होता है खास बोली, बैरोन का मतलब होता है अमीर और इज्जतदार व्यक्ति, डिसर्निंग का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। सो द टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज विद ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड विक फुल ऑफ लर्निंग। तो जबान ने वकील बनकर पूरे केस पर बहस की और उसने अपना जबरदस्त हुनर सबको दिखाया और अपनी खास बोली और पूरी विद्या से पूरे केस पर बात की। वाइल चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉस सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, जबकि कान ने एक बहुत ही अमीर और इज्जतदार व्यक्ति की तरह कानून को दोनों के लिए समान बनाए रखा। और कान वैसे भी अपने योग्यता के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं और इसी के साथ वे अपनी कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत ही तेज बुद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपियर एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर विच अमाउंट टू पोजिशन टाइम आउट ऑफ माइंड। पोजिशन का मतलब होता है धारण करना। इन बिहाफ ऑफ द नोज, अब यहाँ पे जबान के बारे में बात की जा रही है कि वह नाक की तरफ से कोर्ट में पेश होती है और दलीलें पेश करती है। एंड योर लॉर्डशिप ही सेड, जबान कहती है कि लॉर्डशिप, लॉर्डशिप का मतलब होता है श्रीमान, विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज दैट स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वाइंड। वो कहती है कि श्रीमान, जैसा कि आपको मालूम है और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि नाक ने हमेशा चश्मे को पहनकर रखा है और ये हमेशा से होता चला आया है। विच अमाउंट टू पोजिशन टाइम आउट ऑफ माइंड, टाइम आउट ऑफ माइंड का मतलब होता है जब कोई चीज पास्ट में शुरू होती है और हमें मालूम नहीं होता कि ये चीज कब से शुरू हुई है और अभी तक चली आ रही है, उसे टाइम आउट ऑफ माइंड कहा जाता है।
जैसे कि कहा जाता है कि छाते की कब शुरुआत हुई इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जबान कहती है कि नाक चश्मे को हमेशा से पहनते आई है और हमें यह तक नहीं मालूम कि यह कब से होता चला आया है, और अभी तक यही हो रहा है कि नाक ने हमेशा चश्मे को पहन कर रखा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन। लॉर्डशिप का मतलब होता है श्रीमान, वाइसेज का मतलब होता है चेहरा और काउंटेनेंस का मतलब होता है अनुग्रह। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, यहाँ पर जबान और भी दलीलें देते हुए कहती है कि श्रीमान आप कुछ समय लेकर इस केस में और भी बारीकी से देखिए और आप ऐसा मान कर देखिए। दैट द वाइसेज और कॉन्टिनेंस हैड नॉट अ नोज, अगर चेहरे पर नाक ही नहीं होगी तो भला यह चेहरा किस प्रकार से दिखेगा। प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन, अगर नाक नहीं होगी तो भला कौन चश्मे को पहन पाएगा और भला कौन चश्मे को पहन सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विद अ स्ट्रेडल एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज इज, इन शॉर्ट डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल। रिज का मतलब होता है टीला और सैडल का मतलब होता है घोड़े की जीन। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, यानी कि चश्मा पर किसका अधिकार है यह बात अब कोर्ट को डिसाइड करनी है। योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विद अ स्ट्रेडल, यहाँ पर जबान अगली दलील देते हुए कहती है कि श्रीमान आप चश्मा को जरा गौर से देखिए और इसे ऑब्जर्व कीजिए, यह चश्मा स्ट्रैडल की बनी हुई है। स्ट्रैडल जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं वी टाइप के शेप को स्ट्रैडल कहा जाता है, तो जो चश्मा है वह स्ट्रैडल शेप की बनी हुई है। एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज इन शॉर्ट डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल, और यह नाक के टीले के ऊपर एकदम जाकर बैठती है और चश्मा को ठीक इसी प्रकार से बनाया जाता है ताकि वह नाक पर जाकर बैठ सके। अगर मैं अपनी बातों को छोटा करूं तो जिस प्रकार से घोड़े के ऊपर घोड़े की जीन डालकर बैठा जाता है ठीक इसी प्रकार से चश्मा को इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि वह नाक के टीले पर जाकर बैठ सके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑन द होल इट अपियर एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज एंड द नोज वॉज अ प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम। कंडेम का मतलब होता है निराकरण। ऑन द होल इट अपियर एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, यहाँ पर जबान अपनी सभी बातों को समाहित करते हुए कहती है कि अब तक मैंने जितनी बहस की और अब तक जितनी मैंने दलीलें दी उससे कोर्ट मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं नकारेगा और मेरी बात का निराकरण करेगा। दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली मेड फॉर द नोज एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, यानी कि चश्मा सिर्फ और सिर्फ नाक के लिए बनाई गई है और नाक सिर्फ और सिर्फ चश्मे को धारण करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज, अब जबान ने अपनी साइड को बदला जैसा कि हर वकील इसे बखूबी तौर पर करना जानता हो, और फिर उसने आंखों की तरफ से अपनी दलीलें पेश करना शुरू की। बट वॉट फॉर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, लेकिन उसने क्या दलीलें दी उसने क्या बहस की ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, कोर्ट ने दोनों दलीलों को सुना और यह तय किया कि दोनों दलीलें समान नहीं थी और समान इंटेलिजेंट तौर पर नहीं रखी गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रेव सोलेमन टोन डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट ऑन इफ और बट दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन बाई डे लाइट और कैंडल लाइट आई शुड बी शट। श्रीमान ने अपना अदालती हुक्म सुनाते हुए अपनी आवाज को गहरा और भी प्रभावशाली बनाते हुए कहा कि कोर्ट ने सोच समझकर और पूरे
पूर्ण रूप से क्लियर करते हुए बिना किसी अगर मगर के यह निर्णय लिया है कि जब जब नाक चश्मे को पहनेगी, चाहे वह दिन होगा या रात होगी, आंखें हमेशा बंद रहेंगी। दोस्तों, ये था पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको लेसन बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।